आज हम आ चुके हैं अपने नए और पुराने प्रोडक्ट के साथ। नया इसलिए क्योंकि अभी तक वीडियो कोई नहीं बनी है, पुराना इसलिए क्योंकि हमने काफ़ी टाइम पहले ही खरीदा था पर उस टाइम ये वीडियो वाला काम नहीं किया था शुरू। तो ये है बोल्ड फिट की वेटिंग मशीन, डिजिटल वेटिंग मशीन, जिम फ्रीज के लिए बहुत बढ़िया चीज़ है, वैसे नॉर्मल यूज़ के लिए भी ठीक है। किसी को अपना वेट वगैरह देखना हो रेगुलर में, कोई ट्रैक रख रहा हो कि हाँ भाई पतला होना है। ये आती है इसकी दो बैटरीज के साथ, वैसे काफी स्टर्डी चीज है। ग्लास फ्रंट है, इसके पीछे पैनल आ जाता है इसका प्लास्टिक का, हार्ड प्लास्टिक है तो ये भी दिक्कत नहीं है कि टूटने वगैरह की कोई हो। इसकी सेल, और ये सेल डालती हो गया शुरू। अभी थोड़ा अनस्टेबल सरफेस पे इसलिए पहले से कुछ दिखा रही है, ये जीरो। चलो वैसे इसके बारे में बताते हैं, इसे यूज करते हुए काफी टाइम हो गया और रिजल्ट इसके काफी सही है, काफी स्टर्डी मटेरियल है, पर ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर एकदम कूद जाओ। इसके डब्बे पे ये इंस्ट्रक्शंस दी हुई है और कुछ डिटेल्स है कि हाँ भाई आपके घर में अच्छा लगेगा, वन स्टेप रिजल्ट है, आराम से चलो, पहले एक कदम फिर दूसरा कदम, एक्यूरेट रिजल्ट्स आएंगे ऑलमोस्ट जो इसमें दिया हुआ है, 0.1 kg की एक्यूरेसी के साथ, थोड़ा इतना ही ऊपर नीचे हो सकता है जो होगा। बाकी टेम्पर्ड ग्लास है जैसा कि इसके ऊपर है, ऑटो रिजल्ट एंड शट ऑफ, बैटरी डालते ही अपने आप ऑन हो जाएगी और बैटरी निकालते ही अपने आप ऑफ हो जाएगी। तो इसमें यह भी कोई नहीं है कि कोई बटन है एक्स्ट्रा चीज़ इसमें कुछ करनी है या फिर इसके लिए कोई और ऐप चाहिए, तो उसकी भी दिक्कतें नहीं है अभी तक। देखो हमारे नए उसने नए बंदे ने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, बट इसको मैं आगे रिज्यूम मैं करता हूँ। एक्चुअल में क्या है कि हमने ये मशीन मंगवाई थी कई सारी पहले ट्राई करके, मतलब कई सारी ट्राई करी थी ठीक है, उनके अंदर इनएक्यूरेसी ज़्यादा थी और समय पे ना आते आते धीरे धीरे उनकी जो कैलकुलेशन होती है ना वो ऊपर नीचे होने लगी थी। इवन इफ एक तो और पड़ी है और, बट उसका फिर क्या तो रिव्यू करें, जब उसके 5-10 किलोग्राम वो ऊपर या नीचे ही दिखाएगी, उसका एक्यूरेट नहीं है। आपको एक अंदाज़ा मारना पड़ेगा कि इसमें या तो 1-2 किलो कम है या 1-2 किलो ज़्यादा है। बट इसके उसमें एक जो इसकी क्वालिटी जो सबसे बढ़िया लगती है वो है इसकी ऑटो ऑन एंड ऑफ, जो भाई ने ऐसे यूजुअली आपको पहले बता दिया था कि अपने आप ही ऑन हो जाती है, अपने आप ही ऑफ हो जाती है, आप बस सेल डाल के रखो। इसका मेजर रहता है कि इसे जैसे ये जो इसके सक्शन है ये इन पे टिकी रहती है ना, तो उसके बाद आपका सिंपल सा है कि इसे इवन सरफेस पे रखो जब ये ज़्यादा अच्छी आपको एक्यूरेसी प्रोवाइड करेगी। अगर अनइवन सा सरफेस होगा तो वही है, बंदा इधर उधर डोलेगा तो कहाँ उसकी वो बनेगी, एग्जैक्ट वेट कहाँ से कैलकुलेट होगा। और एक चीज़ बता, अब इस पे अपन नाप के क्या देखें, खुद को सबको पता चल जाएगा मेरा वेट 81 है, तेरा कितना होगा आइडिया? जस्ट लेट इट गो। लेकिन फिर भी एक बारी मैं वैसे बता देता हूँ, एक इसके पीछे ये इसका एक बटन दे रखा है ठीक है, ये एक्चुअल में यहाँ पे बटन पे लिखा हुआ है यहाँ पे यूनिट का मतलब होता है जैसे अभी इसमें केजी दिखा रहा है ना लिखा हुआ, तो केजी की जगह शायद एलवीएस वगैरह आ जाता होगा आई गेस, है ना? और तो इसमें कुछ नहीं है सच। इसकी प्राइस थोड़ी सी है ज्यादा, पर हाँ सेल के अराउंड आपको मिल जाएगी। अगर मान के चलो आप वैसे टेस्टिंग भी करते हो ना और आपकी ये नहीं चस रही है, तो एक बारी सेल को थोड़ा सा हिला के देख लो। हाँ चस गई। अब मैंने इसे रखा है, ये ऑटो करेक्ट कर लेती है खुद को। ऑटो करेक्ट कैसे कर लेती है, वेट हटाया जीरो हो जाती है, वेट रखा छोड़ दो, मतलब वेट रखे रखो, फिर उसके बाद अपने आप एक कैलकुलेशन दे दी, छोड़ दो, अपने आप जीरो कर देगी। ये अच्छी चीज लगती है, वरना कई तो ऑफ हो जाती हैं फिर उसके बाद रिकैलकुलेशन होगी। आप इसको यहीं से रिज्यूम भी कर सकते हैं, बट चलो आप अपना वेट बाद में नाप के देखते हैं। वैसे तेरा कितना है? 92।
हार है तू मेरे लिए, सही है। चलो बताना हमें कैसा लगा रिव्यू। वैसे भी हमने पहले ही कर रहे हैं ना, आई गेस ये हमने पहले भी किया हुआ रिव्यू, किया हुआ है टेंस का, वो मशीन नहीं थी इलेक्ट्रिक वाली। लेकिन चलो फिलहाल जरूर ट्राई करना, अगर कभी लेना हो ना तो। सही बता रहा हूँ, ये मेरी बेस्ट निकली है अभी तक। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।